हाल ही में हमने देखा कि यूक्रेन पे रूस के हमले के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कैसे रूस पे सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन यानी कि बहुत सारी पाबंदी लगा दी गई। बहुत सारी पाबंदी तो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कैटेगरी में थी। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे गूगल बिजनेस, एप्पल प्रोडक्ट्स, एयरबीएनबी एप्लीकेशन। इन पाबंदियों के बाद भी रूस को कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि शायद रूस इसके लिए पहले से रेडी था। रूस के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो तेल बेचकर भी अपने घाटे की भरपाई कर सकता है। रूस के इंजीनियर्स ने भी सोशल मीडिया वेबसाइट, मोबाइल ऐप से लेके बाकी के प्रोडक्ट्स को भी बना लिया है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर भारत पे कभी सैंक्शन लगे तो क्या होगा। सबसे पहला असर तो ये होगा कि फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप जैसी सर्विसेज काम करना बंद कर देगी और लोग एक दूसरे से सोशली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। गूगल मैप्स काम करना बंद कर देगा और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खासी दिक्कत का सामना करना होगा। एप्पल मैप्स भी बैन हो सकते हैं, क्योंकि एप्पल कंपनी का कंट्रोल भी इंडिया में नहीं है। भारत के लोग किसी बिजनेस या ट्रैवल डेस्टिनेशन को सर्च नहीं कर पाएंगे, और अगर वो घर से बाहर निकलेंगे तो वो लोगों से पूछ पूछ के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। इंडियन बिजनेस को भी काफी ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि कस्टमर्स बिजनेस को सर्च ही नहीं कर पाएंगे। कुछ इंडियन एप्लीकेशन जैसे कि जस्ट डायल से आप कुछ बिजनेस को जरूर सर्च कर पाएंगे, लेकिन मैप्स के लिए फिर भी आपको सोचना पड़ेगा। व्हाट्सएप को टेलीग्राम से रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन टेलीग्राम भी एक भारतीय एप्लीकेशन नहीं है। टेलीग्राम को जर्मनी में बनाया गया है, तो इस एप्लीकेशन का कंट्रोल भी हमारे पास नहीं है। सिग्नल भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन सिग्नल को भी कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलप किया गया है। एप्पल के प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन, मैकबुक, हेडफोन्स एक्सेट्रा के लिए भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कंट्रोल भी हमारे देश में नहीं है। बात करें आपके इम्पोर्टेंट डेटा की, जो कि आप यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे वीडियो या फोटो के जरिए डाल रहे हैं, तो ये भी हमारे डेटा सेंटर में नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के डेटा सेंटर में स्टोर किया जाता है। कभी कभी मुंबई में स्थित डेटा सेंटर को यूज किया जाता है, लेकिन इसका कंट्रोल भी हमारे पास नहीं। जैसे कि अमेज़न वेब सर्विसेज यानी कि AWS के डेटा सेंटर भारत में भी है, लेकिन कंट्रोल हमारे पास नहीं है। हाल ही में टाटा कंपनी ने भी डिसाइड किया है कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, लेकिन अगर डेटा कंपनी खुद के ब्रांड का फोन बनाए तो देश को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि विदेशी ब्रांड को इंडिया में मैन्युफैक्चर करना उनके ब्रांड को प्रमोट करने के बराबर है। टॉप 10 कंपनीज के CEO इंडियन होने के बजाय टॉप कंपनीज के ओनर इंडियंस होने चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो टॉप 10 कंपनीज या प्रोडक्ट ओनरशिप में कहीं भी भारत का नाम नहीं आता है, और यही मुश्किल वाली बात है। चीन और रूस ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन और प्रोडक्ट्स खुद से डेवलप कर लिए हैं, लेकिन भारत अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी के पश्चिमी देशों पे निर्भर है। तो आने वाले समय में भारत को सच में आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचना होगा। सिर्फ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही नहीं, बल्कि हार्डवेयर, चिप एक्सेट्रा भी मैन्युफैक्चर के लिए सरकार और यहाँ के लोगों को सोचना होगा।